धीरे धीरे नदी का कटाव होते जा रहा है, जिसके कारण गांव के नजदीक नदी की सीमा आते जा रही है, और उसके कारण गांव के स्कूल, गांव के खेत जो है नदी के कटाव होने के कारण प्रभावित हो रहे हैं, और ग्रामवासी को यह भय है कि धीरे धीरे कटाव होने के कारण उनका। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार का ये छोटा सा मोहन गांव एक बेहद ही बड़े खतरे से जूझ रहा है। यहां के किनारे से गुजरी महानदी हर साल बारिश में अपना दायरा बढ़ा रही है, और पिछले 10 सालों में वह मिट्टी का कटाव करते हुए गांव के लगभग 500 मीटर नजदीक तक आ गई है, और अब गांव नदी से सिर्फ 100 मीटर दूर रह गया है। ग्रामीणों को डर है कि अगर प्रशासन से समय रहते कोई कदम नहीं उठाया तो एक दिन ये पूरा गांव महानदी में समा जाएगा। लोगों के मुताबिक या तो प्रशासन नदी के किनारे पक्के तटबंध बनवा दे, और अगर ये सब करना मुश्किल है तो उनके विस्थापन की व्यवस्था की जाए, क्योंकि जिस रफ्तार से ये नदी गांव मिट्टी को काटते हुए गांव के नजदीक आ रही है, उस हिसाब से वो दिन दूर नहीं, बल्कि इन लोगों के घर, खेत और गांव के स्कूल, अस्पताल, सब कुछ नदी में समा जाएंगे। इस विषय में फिलहाल कांग्रेस जिलाध्यक्ष जहां मुख्यमंत्री से बात करने का भरोसा दे रहे हैं, तो कलेक्टर ने संबंधित विभाग को ही तलब कर लिया है। विकासखंड का छोटा सा गाँव है मुहान, जो महानदी के किनारे स्थित है, और उस गांव की समस्या ये है कि विगत 25-30 सालों से वहां धीरे धीरे नदी का कटाव होते जा रहा है, जिसके कारण गांव के नजदीक नदी की सीमा आते जा रही है, और उसके कारण गांव के स्कूल, गांव के खेत जो है नदी के कटाव होने के कारण प्रभावित हो रहे हैं, और ग्रामवासी को यह भय है कि धीरे धीरे कटाव होने के कारण उनका गांव उजड़ न जाए, नदी में बाढ़ में बह न जाए। इसलिए ग्रामवासी यह मांग कर रहे हैं या तो उनको कहीं व्यवस्थापन किया जाए, कहीं पर बसाव किया जाए, या तो नदी के किनारे रिटर्निंग वाल बनाया जाए। और हमने भी इस बात को संज्ञान लिया है, हमने कलेक्टर से चर्चा की है और विभागीय मंत्रियों को भी इस बारे में चर्चा की है, और हम भी यह सुनिश्चित करना चाह रहे हैं और सरकार की तरफ से कि उस गाँव में रिटर्निंग वाल बनाया जाए, नदी किनारे जो है तटबंध बनाया जाए, जिससे नदी का कटाव रुक जाए और गांव के लोग अच्छे से जीवन यापन कर सकें। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हितेन ठाकुर, बलौदाबाजार जिला कांग्रेस अध्यक्ष। गांव का नाम क्या है उसका? मोहन। सर, मोहन गांव में कटाव हो रहा है। मोहन गांव में नदी के प्रवाह की वजह से लगातार कटाव की एक हमारे संज्ञान में आई है न्यूज़पेपर कटिंग के माध्यम से। उसको एक विस्तृत उसमें प्रतिवेदन बनाने के लिए हमने SDM को निर्देशित किया है, और भविष्य की को देखते हुए क्या रणनीति बना सकते हैं, गांव का व्यवस्थापन ठीक रहेगा या वहां पर कोई रिटेनिंग वॉल बनाना ठीक रहेगा, उसको लेकर के अभी हम प्लानिंग करेंगे और आने वाले समय में मेरा स्वयं वहाँ पर दौरा होगा। महानदी में आई बाढ़ इस बार तट के ऊपर बने एक मकान और एक पगडंडी रास्ते को बहा ले गई। ऐसे में लोगों का डर स्वाभाविक है। अब देखना होगा कि इन लोगों की मदद के लिए शासन प्रशासन कौन सा रास्ता चुनते हैं। 10 साल में मोहन गांव के आधे किलोमीटर क्षेत्र को नील गई महानदी के कटाव। मोहन गांव की मिट्टी महानदी के कटाव के कारण करती जा रही है। ऊपर से रेत माफिया ने रेत की खुदाई करते हैं, जिससे मिट्टी और कट जाती है। जल्द ही कोई उपाय नहीं किया गया तो एक दिन ये पूरे गांव महानदी में समा जाएगा। 3 बलौदा बाजार से पंजाब के सिर के लिए अशोक टंडन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।